ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। अब लेंचो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब बहुत ही मेहनती आदमी था और जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब फिर भी वो पढ़ना लिखना सीख चुका था, वो लिटरेट था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, अगले दिन मतलब संडे था और जैसे दिन होता है मतलब सुबह होती है, ही बिगन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, वो एक लेटर लिखना शुरू करता है जिसे वो खुद लेके जाएगा कहां पे, पोस्ट ऑफिस, और वहां पे मेल बॉक्स में डालेगा। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। उस लेटर में लिखा क्या है, तो गॉड को एक लेटर लिखा हुआ है, गॉड को लेटर लिखा हुआ है, चलो ठीक है, लेकिन लेटर में क्या लिखा है, आगे टॉपिक देखिए। गॉड भगवान उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं, हम दो मतलब मैं अपने परिवार के साथ इस साल हम लोग को भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर, पैसोस जो है लैटिन अमेरिका की करेंसी है, ठीक है, तो मुझे 100 pesos चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई, कि मैं अपने फील्ड को फिर से ग्रो कर सकूं, मैं सो कर सकूं, बो सकूं वहां पर फसल, और फसल ऐसा तो नहीं कि फसल बोते बोते हम लोग क्या करेंगे, फसल को बोते बोते वो हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब दो तीन चार महीना वेट भी करना पड़ेगा, तो चार महीना खाएंगे कैसे, तो हमें खाना भी है, तो इसके लिए भगवान कम से कम 100 pesos हमें सेंड करो, क्योंकि फसल डिस्ट्रॉय हुआ है किस हेल स्टॉर्म की वजह से, और हेल स्टॉर्म आप ही ला सकते हो। हीरो टू गॉड ऑन द एनवेलप, होता ना कि सेंडर का एड्रेस हम लोग लिखते हैं और रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, तो रिसीवर किसको भेजना है, रिसीवर में क्या लिखा, टू गॉड, के भगवान के पास ये है, और उसको क्या करा, पुट द लेटर इनसाइड, उसमें लेटर को रखा। स्टील ट्रबल वेंट टू, दुखी है लेकिन उसके बावजूद भी टाउन जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास जाता है, प्लेस वहां पे स्टाम्प टिकट लेता, टिकट भी लगा देता है, नहीं है कि भाई भगवान के पास ले जाने तो टिकट तो 2-4-10 rupees का खर्च करना बनता है, टिकट भी लगाता है, और उसके बाद मेलबॉक्स में वो क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। फिर देखो आगे क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, वो लेटर जो लेंचो का उसको लेता है और जोर उससे हंसने लगता है, मतलब अंदर से रियल रियल जो हंसी है वो हंसता है, और लेटर ले जाता है अपने बॉस के पास, बोलता है जोर अरे भाई क्या बात, बॉस इधर देखिए ये लेटर, ये गॉड को भेजना, बताओ ये किस एड्रेस पे भेजा जाए, किस एड्रेस पे भेजा जाए। ओके, नेवर इन हिज करियर career as a postman had he known that address। भैया मैंने आज तक लगभग 15-20 साल अपना करियर इस पोस्ट ऑफिस में स्पेंड करा है, यहाँ पे बिताया है, लेकिन आज तक इस एड्रेस का तो लेटर मेरे को ना मिला है, ना कहीं भेजने के लिए कभी वो किया गया है, ना मैंने रिसीव किया है, ना यहाँ पे सेंड किया है, ये कौन लेटर भेजा भाई। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था वो मोटा था और थोड़ा बहुत फ्रेंडली दोस्ताना उसका बिहेवियर था, also broke out laughing, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, नहीं है, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his chest commented, what a fail, जोर जोर से हंसने लगता है वो भी, और हंसते हंसते अचानक वो सीरियस हो जाता है, और सीरियस होकर वो लेटर को अपने डेस्क पे रखता है, उसके बाद बोलता है गजब का विश्वास है भाई, क्या ट्रस्ट है, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। मैं सोचता हूं इस तरह का ट्रस्ट जो है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, ये जो ट्रस्ट उस आदमी को, लेंचो को भगवान के ऊपर है, वो ट्रस्ट हम लोग को भी इंसानों के ऊपर होता तो कितना अच्छा रहता। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, जिस तरीके से उसको भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेट द लेटर राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए इस लेटर को जिसने भी लिखा है उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो विश्वास ना टूटे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। द पोस्ट मास्टर केम अप with an idea, postmaster एक idea, मतलब एक विचार लाता है अपने दिमाग के अंदर, एक idea कि भाई क्या करना चाहिए कि उसका trust नहीं टूटे, तो answer देगा, इस letter का answer देना पड़ेगा, उस बंदे ने जो question पूछा होगा इसमें उस question का answer देना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि उसका trust जो है वो जो कि God के अंदर है वो टूटेगा नहीं, break नहीं होगा, लेकिन देखो क्या होता है। But when he opened it, लेकिन जैसे वो लिफाफे को फाड़ के letter को निकाल के देखता है, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे वो उस लेटर को निकाल के पढ़ता है, द
तो वो देखता है कि भाई केवल पेन पे कॉपी पर लिख पेज पर लिख के केवल आंसर देने से यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे पेन और होता ना कि पेन है इंक के बाद, मतलब इंक एंड पेपर के बाद कुछ और भी करना है, तो करना क्या है, तो 100 pesos का उसमें डिमांड था, तो इसको लगा कि उसने कुछ क्वेश्चन पूछा और कुछ आंसर लिख के सेंड कर देंगे, हो गया। लेकिन जैसे पता पड़ा कि बाबा ये तो केवल आंसर नहीं देना है, आंसर के बाद 100 pesos भी देना है, अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब क्या करें। बट ही स्टक टू हिज रियल सॉल्यूशन, लेकिन तुरंत वो थोड़ा दिमाग का तेज तराक बंदा था, उसने तुरंत इसका सॉल्यूशन निकाले, बोले चलो ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने क्या किया, जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले बंदे थे उन सबको बुलाया, बोला भैया एक काम करो आप सब अपने सैलरी का कुछ पार्ट हमको दो, क्योंकि एक तरह की चैरिटी है, एक बंदे को रिक्वायर्ड है, एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, एक बंदे का फैमिली भूखो मर रहा है तो उसका सपोर्ट करना ये भी एक तरह का चैरिटी है, तो ये हम लोगों को करना है, एक अच्छा काम हम लोगों को करना है। ओके, सबने बोला चलिए ठीक है, हम लोग आपके तैफात है, हम लोग आपके पास है। फिर आगे देखो क्या होता है, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया, अपना दोस्तों से भी लिया चैरिटी के नाम पे। लेकिन ये सबका पैसा कलेक्ट करने के बावजूद भी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 pesos, माने सारे पैसे इकट्ठे करने के बावजूद भी 100 pesos नहीं हुए, लगभग 70 pesos तक हुए। He was able to send the farmer only a little more than half, मतलब 70 pesos लगभग उसने उसको भेजा। He put the money in an envelope, उसने सारे पैसे को envelope में रख दिया, एड्रेस में उसने टू लेंचो रिसीवर में लिख दिया और बगल में उसने सिग्नेचर कर दिया गॉड, मतलब सेंडर गॉड, रिसीवर टू लेंचो 70 pesos, जा ठीक है। अब चलो इसके क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग, फोकस करिएगा। Who or what did Lencho have faith in? किस पे और क्या विश्वास था Lencho का? What did he, उसने क्या किया? चलो anyone. Sir God. God पे विश्वास था? Okay, okay. Sir demand किया कि उसके answers कर रहे हैं. Sir demand किया कि help करने के लिए. You can. आप फिर से इसको हम लोग repeat कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन answers सब करिए। तो God पे विश्वास है, आखिर what did he do? तो उसने किया क्या? गॉड पे विश्वास था तो उसने क्या किया? What did he do? सर उसने एक लेटर लिखा गॉड को। तो he wrote a letter to God demanding money, 100 pesos, help him. चलो who read the letter? लेटर को किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर ने पढ़ा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा कि व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया? तो वो अपने हेड को दे दिया उसने। क्या किया? तो अपने हेड को। ओ बच्चे, हेड नहीं जो लेटर पढ़ा था, लेटर पढ़ने के बाद उसने क्या किया? तो ही कलेक्टेड 70 pesos फ्रॉम हिज कलीग्स एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयज से कहा चैरिटी, अपने एम्प्लॉयज से कहा पैसे देने के लिए, करके लंचो को दे दिया। ओके, तो ये हो जाएगा, ये आपका तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यस सर। आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम इन तीन क्वेश्चन में? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। अगले पैराग्राफ पे फोकस करना। द फॉलोइंग संडे Lencho केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब अगला जो संडे था, कमिंग संडे, उस समय Lencho जो है वो बहुत तेजी से आता है, मतलब बहुत सुबह सुबह चला आता है पोस्ट ऑफिस में और आके पूछता, भैया मेरे नाम पे कोई लेटर उठ रहा है क्या? गॉड ने किसी ने मेरे नाम पे, Lencho नाम पे कोई लेटर भेजा है? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डेड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो पोस्टमैन जो है उसने क्या किया, हाँ भैया आपके नाम पे तो लेटर आया, ये लो ये लिफाफा लो। और पोस्टमास्टर जो वो अपने ऑफिस में बैठा, ऑफिस से बैठ के खिड़की के बाहर देखता है कि भाई ये बंदा कितना संतुष्ट है, इसके चेहरे का रिएक्शन क्या है, प्लस पोस्टमास्टर सेटिस्फाइड भी है, क्यों कि भाई हमने एक अच्छा काम किया, जरूरतमंद को 70 pesos का हेल्प कराया। Lencho should not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. Lencho को जैसे वो पैसा मिलता है, वो लेटर मिलता है, तो वो सरप्राइज नहीं होता है, मतलब ये तो मैंने लेटर लिखा तो जवाब तो मेरे को आना ही था, और गजब का उसके अंदर कॉन्फिडेंस कि मैंने लेटर लिखा तो भगवान को आंसर देना ही था, उसमें कोई फिर पटी नहीं है, तो मैं सरप्राइज थी, सरप्राइज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन सरप्राइज होने की जगह पे वो गुस्सा हो गया जब पैसे को गिनना शुरू किया उसने,
पैसे कितने भैया 70 पैसों से मेरे पास है, 30 पैसे कहाँ गए? मैंने तो भगवान पे 100 पैसे का डिमांड किया था। God could never, God could not have made a mistake. भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। Nor could he have denied Encho what he had requested. और मैंने जो रिक्वेस्ट किया है गॉड ने इसको भी रिजेक्ट नहीं किया है। तो भगवान, अगर मैंने गॉड से 100 पैसे मांगा है तो भगवान ने 70 पैसे भेजा, मतलब भगवान ने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट अगर किया तो वो 100 पैसे ही भेजता, वो 30 पैसे कम क्यों भेजेगा मेरे को? मतलब भगवान यहाँ पे गलत नहीं है। तो फिर गलत कौन है? गलत कौन है? आगे देखो। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. फिर Lancho जाता है post office और जाके बोलता है भैया एक काम करो, थोड़ा paper एक दो, एक थोड़ा एक pen दे दो मेरे को। On the public writing table, जहाँ पे लोग letter लिखते हैं वहाँ पे वो जाता है। और जाने के बाद he started to write, उसने लिखना शुरू कर दिया। With much wrinkling of his brow, होता है गुस्से में देखना भौं कैफे हम लोग इतना जाते काम नहीं है, लगता है कि भाई गुस्सा है बंदा। तो एकदम बहुत तनाव हुआ, एकदम गुस्से में कुछ लिख रहा है, एकदम दर दर लिखा जा रहा है। Caused by the thought he had to make to express his idea, मतलब गुस्से में होता है, गुस्से में जब कुछ लिख रहा है तो एकदम angry, चेहरे का expression उसका उस तरह बना हुआ है। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब वो खत्म कर लेता है लेटर, तो उसे खिड़की के पास वहाँ पे टिकट लेता है और टिकट पेस्ट करता है। फिर क्या करता है देखो, यहाँ पे Lancho the envelope with a blow of his fist, हाथों पे क्या करता है, मुट्ठी पे चिपकाता है। And the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. वो क्या करता है, पोस्ट वो जो मेलबॉक्स है उसमें लेटर को ड्रॉप करता है और उसके बाद वहां पे चला जाता है। जैसे वो लेटर ड्रॉप किया जाता है तभी अचानक पोस्ट मास्टर वहां पर तेजी में जाता है, भाई देखे क्या लिखा है उसने, कहीं थैंक्स वैंक्स लिखा होगा, धन्यवाद लिखा होगा। और वहां पर जाने के बाद लेटर निकालता है, निकाल के पढ़ता है कि क्या लिखा है उसमें। लिखा क्या था ध्यान देना, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोस गिव्स मी, मैंने आपसे 100 पैसे भगवान डिमांड किया था और आप मेरे तक केवल 70 पैसों ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जल्दी जो 30 पैसे थे उसको भी मेरे को भेजो। Since I need it very much, क्योंकि उस पैसे की मुझे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook, Lancho. तो इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरे को मत भेजो, क्यों? Because post office के जितने भी employer हैं, वो सब चोर हैं, ईमानदार नहीं है आपकी तरह और हमारी तरह। और वहां पे क्या करता है, सेंटर में Lancho अपना नाम लिख देता है। तो ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। तो चलिए इसे कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाज Lancho सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, Lancho को जब लेटर मिला उसके अंदर पैसे के साथ, तो क्या Lancho सरप्राइज हुआ? यस कि नो? नो नो सर, नो सर। ओके, अच्छा, व्हाट मेड हिम एंग्री, वो एंग्री क्यों हुआ, वो गुस्सा क्यों हो गया? He counted the money. वो गुस्सा क्यों हुआ? व्हाट मेड हिम एंग्री? When he counted the money. क्योंकि पूरे पैसे नहीं मिले थे उसको। Because he received only 70 pesos. वही ना था, 100 का डिमांड क्या था और 70. अब चलो कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है कि व्हाई डज Lancho हैव कंप्लीट, सॉरी, हु डज Lancho हैव कंप्लीट फेथ इन, Lancho को पूरी तरीके से 100% किसके ऊपर विश्वास है? यहाँ पे आंसर में केवल आप लोग करो, यहाँ पे टेक्स्ट में करो, किसके ऊपर? इन गॉड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला पॉइंट है कि विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, इस पूरे जो स्टोरी आपने देखा उसमें कौन सा सेंटेंस है जो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ गॉड को उसमें ट्रस्ट था? तो ये आप लोग देख लो बुक में, ऊपर ही देख लो कि गॉड इज एवरीथिंग, भगवान सब चीज देखता है। वहां पे सेंटेंस देखोगे कि वहां पे कौन सा सेंटेंस है। अगला देखो पॉइंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू Lancho, पोस्ट मास्टर को क्या जरूरत पड़ी कि वो पैसा क्यों भेजता है Lancho को, क्या रिक्वायरमेंट थी उसको भेजने की, क्यों भेजा आखिर पोस्ट मास्टर ने Lancho को पैसा, 70 पैसा इकट्ठा करके क्यों भेजा? व्हाई? Because he doesn't want to shake his faith in God. Very good. Because he doesn't. कौन? The postmaster doesn't want to break the trust of Lancho, which was in God. जो भगवान के ऊपर Lancho का trust था, he didn't want to break. वो नहीं चाहता था कि वो टूटे. अच्छा, why does he shine the letter? आखिर जो उसने जब पैसा भेजा, चलो ये तो ठीक था, उसने God मतलब
सेंडर में गॉड का नाम दे दिया, गॉड लिखा, साइन कर दिया. क्यों अब यहाँ पे गॉड लिखने की क्या जरूरत थी? ताकि उसको ये ना लगे, ताकि लेंचो को यकीन हो जाए कि गॉड ही ने उसको पैसे सेंड किए हैं. क्यों गॉड लिखा वहां पे, साइन क्यों किया गॉड को? टू मेक लेंचो वेल अंडरस्टैंड दैट द मनी वॉज सेंड टू हिम बाई गॉड. ऐसा उसको ना लगे कि कोई दूसरे बंदे ने उसका सपोर्ट किया है, गॉड से उसने सपोर्ट मांगा, गॉड ने उसका हेल्प किया है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई एंड व्हाई नॉट. क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश किया कि ये पैसा उसको भेजा है और नो सर क्यों भेजा? नो सर, मतलब उसको इस पैसा किसने भेजा ये पता लगाने की कोशिश किया कि नहीं किया? किया तो नो सर. नो सर क्यों नहीं किया? उसको विश्वास था भगवान पे, क्योंकि सर उसको विश्वास था, बिकॉज़ ही वाज श्योर दैट गॉड विल हेल्प हिम. ओके, अब देखो यहाँ पे पॉइंट, वेट यहीं पे रुक जाओ. देखो यहाँ पे नवनीत ने लिखा है, देखो यहाँ पे बिकॉज ही वॉज श्योर, यहाँ पे ही वॉज श्योर दैट गॉड विल. अब इधर तुम्हारा पास्ट में हो गया वॉज, तो उधर देखो यहाँ पे विल नहीं, वहां पे उड होगा. ठीक है, एक तरफ प्रेजेंट दूसरी तरफ पास्ट आपका नहीं होगा, तो इधर वॉज किया आपने तो उधर विल का उड हो जाता. तो लेकिन सही है आपका, क्योंकि उसको ट्रस्ट था, वो श्योर था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा. चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि who does Lencho think has taken the rest of the money? Lencho के अनुसार वो जो 30 पैसे थे उसको किसने ले लिया? Employees of क्या चीज? Post office की, post office के जो employee हैं. Yes सही है, employees of post office सही है. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या, what is the irony in this situation? इसमें ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या आया है? अम्यूजिंग, पूरा मनी वापस नहीं आया था. बोलिए इसमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या आया है? तो अनएक्सपेक्टेड यहां पे ये भी बोल सकते हो क्या चीज, कि यहां पे पोस्ट ऑफ पोस्टमास्टर थॉट दैट आफ्टर गेटिंग क्या चीज मनी, लेंचो वुड बी वेरी हैप्पी. लेकिन he was completely wrong here. उसका जो गेस था वो गेस पूरी तरीके से गलत हो गया. ये happy होने की जगह पर वो anger हो गया. तो वो बोलते हैं गजब का point भाई, तो इसका support करो. और दूसरा ये भी बोल सकते हो कि जब उसने letter को second time letter को पढ़ा तो उसने क्या दिया कि उसने हम लोगों ने उसका support किया और उसने हम लोगों क्या कर दिया, चोर करार कर दिया. नहीं है तो ये भी एक तरह का unexpected situation हम लोग बोल सकते हैं. अगला देखो क्या है यहाँ पे कि आर Dear people like Lencho in the real world. अच्छा ये बताओ, आज के डेट में क्या Lencho की तरह लोग मौजूद हैं जो गॉड पे एक ही बार इस तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट करें कि सब काम छोड़ भाई भगवान है ना हमारी मदद. एक आप लोगों ने वो देखा होगा ओ माई गॉड, ओ माई गॉड एक मूवी देखी होगी, उसमें भी आप देखते हो कि उस कांजी भाई उनका जो दुकान गिर जाता है तो क्या करते हैं भगवान के ऊपर केस करना शुरू कर देते हैं. तो ये सब मूवी और स्टोरियो में ये सब हो सकता है, ये फैक्ट की बात की जा रही है. तो क्या ऐसे लोग आज भी लेंचो की तरह मौजूद है जो कि पूरी तरीके से अपना काम धाम छोड़ दे? नो सर. अगर थोड़ा सा नुकसान हो गए, नो सर, अगर हम हमारा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लोग बैठ जाए, भगवान है ना मदद करेगा. अरे भाई तो दूसरा काम करेगा ना तुम, कि चुपचाप बैठ जाएगा? तो ऐसे लोग नहीं है. ठीक है, फिर यहाँ पे ओके नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा. देखो यहाँ पे देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है. दो कॉन्फ्लिक्ट है, पहला है कि बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, कि ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, और दूसरा है एंड सेकंड क्या है, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड? अब देखो यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, पहले तो भगवान और नेचर, मतलब भगवान एंड गॉड के बीच में, भगवान बोल रहा है ह्यूमन मतलब लेंचो और गॉड के बीच में, और दूसरा आपने कहा कि लेंचो और पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच का पॉइंट को दिखाया गया है. तो यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट की बात करोगे तो आपने क्या कहा कि लेंचो के फसल को जब गॉड ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो लेंचो ने बड़े गर्व के साथ, मतलब होता ना कि राइटफुल तरीके से उसने डिमांड किया कि आपको 100% मेरे को भेज दिया, बिकॉज ये हेल स्टॉर्म तो आप ही क्रिएट कर सकते हो, तो आपके थ्रू ये डिस्ट्रॉय हुआ है तो आप इसका सपोर्ट करो. लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि ह्यूमन ने जो सपोर्ट किया उसको, ह्यूमन बींग मतलब जितने भी पोस्ट ऑफिस के लोग थे उन लोगों ने इसका सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या देखा कि लेंचो को उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है. तो यहाँ पे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू ऑल हु इज रॉन्ग, यहाँ पे लेंचो गलत है
कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो बंदे हैं वो गलत हैं? कौन गलत है? सर लेंचो गलत है। लेंचो? अच्छा लेंचो कैसे गलत है ये बताओ। लेंचो कैसे गलत है? सपोज करो कि लेंचो को तो ये पता नहीं किसने वो लेटर भेजा, किसने वो पैसे भेजे हैं, उस पे आपने सेंटर में क्या कह रहा है, गॉड भी लिख दिया है, तो लेंचो को तो पता है कि भाई अगर गॉड ने ये 100 पैसे भेजे हो, कि गॉड ने अगर पैसे भेजे हैं तो वो मिस्टेक, गॉड तो गिनने में वैसा तो ये गॉड का मैथमेटिक्स कमजोर है, उनका कैलकुलेशन कमजोर है, वीक है, उनको भेजना 100 पैसे तो 70 क्यों भेजेंगे, भेजना है तो 100 पैसे तो उन्होंने 100 पैसे ही भेजे होंगे, लेकिन 30 पैसे इन लोगों ने चोरी कर लिए। अब लेंचो को यहाँ पे ये पता होगा कि भाई इन लोगों ने 70 पैसे चैरिटी के रूप में मेरे को दिया है, तो वो तो धन्यवाद देता उन लोगों को, थैंक्स बोलता है भाई चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पे लेंचो को भी आप बिना जाने सर, लेकिन बिना जाने भी तो अगर किसी को दोषी करार दिया जाए तो वो भी तो गलत ही होता है। गलत है तो देखो यहाँ पे लेंचो को ये भी तो सोचना चाहिए, गॉड तो सर मैसेज करेंगे नहीं उसको वापस। लेंचो को तो ये ना क्लियर है कि भाई ये पैसा जो है गॉड की तरफ से मुझको आया है सर, बट गॉड थोड़ी भेजेंगे, तो ये तो लेंचो को पता ही होगा सर कि गॉड किसी को मैसेज नहीं करते हैं। क्या सर लेंचो को ये तो पता ही होगा कि गॉड किसी को मैसेज नहीं करते हैं? अगर लेंचो को देखिए, लेंचो को ये पता, कुछ ऐसे अब देखो हमारे यहाँ जो इंडिया में जो साधु सन्यासी लोग हैं पूजा पाठ करते हैं, आराधना हम लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग को पता है क्या कि गॉड हमारे पास आ ही जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। रोज सुबह हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, ये वो सावन का महीना चल रहा, टाइम चल रहा, देख रहे कैसे पूजा पाठ चल रहा है, क्या हमको पता है कि भगवान हमारे पास आ जाएंगे? फिर भी पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे? ट्रस्ट है ना, अरे ट्रस्ट है ना गॉड को, गॉड के ऊपर हम लोग को ट्रस्ट है ना, हमको पता है हम लोग को पूजा ही नहीं करना चाहिए कि गॉड नहीं आएंगे तो बिना मतलब हम लोग किस लिए व्रत कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं? गॉड आएंगे नहीं सर, लेकिन वो हमारा मदद तो करते रहते हैं ना सर। क्या गॉड आएंगे नहीं लेकिन वो हमारा मदद तो करते रहते हैं ना सर? तो उसी तरह लेंचो को भी ट्रस्ट था कि भाई नहीं गॉड आए क्या, आए या नहीं आए गॉड हमारी मदद जरूर करेंगे, और बचपन से उसको पढ़ाया भी गया है, उसको टीच भी यही किया गया है कि भाई साहब गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान हर चीज देखता है, एंड गॉड सपोर्ट एवरीवन, भगवान सबकी मदद करता है, तो भगवान सबकी मदद करता है तो मेरी भी मदद करेगा, भगवान सबकी मदद करता तो हमारी भी मदद करेगा। यस सर। नहीं है तो इसमें कौन गलत है? एनीवन? कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, मतलब बोथ आर करेक्ट एट देयर डिफरेंट प्लेसेस, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। यस सर। हम किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। अब सपोज करो कि पोस्ट मास्टर को भी आप गलत नहीं कहोगे कि उसने तो और भी ज्यादा काइंड हार्टेड काम किया कि लेंचो के लेटर को उसके जवाब देने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी खुद अपने पैसे अपने सैलरी से पैसा अपने लोगों को सपोर्ट जीतता है, लोगों को क्या करता है कन्विंस करता है, उनका पैसा लेता है, लेकिन तब 70% इकट्ठा करके उनको सेंड करता है, तो और काइंड हार्टेड था। तो कहने का मतलब है कि दोनों अपने अपनी जगह पे करेक्ट है, नहीं है तो ये स्टोरी ही जो था वो एम्यूजमेंट में जाकर फिनिश हुआ, नहीं है समझ ही में नहीं आया कि कहानी क्या हुआ, नहीं है तो खैर जो भी था। तो इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, उस सारे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आप लोगों को? नो सर। नो सर। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के? यस सर। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर। अच्छा ये बताओ, वेट टेल मी, मेरे को ये बताओ कि इसमें जितना भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उसमें किसी ऐसे पॉइंट किसी पैराग्राफ जहाँ पे आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम हुई हो? स्टोरी तरीके समझ में आया? यस सर। यस सर। कौन गलत था फ्रॉम बोथ, हु वाज रॉन्ग, एनीबॉडी? कोई नहीं, नो वन, सही थे अपने प्लेसेस पे, बोथ वर करेक्ट। ओके ओके तो दोनों सही थे। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एक एक करके मेरे को आंसर आप लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यस कि नो? नो। आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट में मैसेज करोगे नो? नो। ओके नो 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 नो, ठीक है सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ये बारे वर्ड भी देख लेंगे आप लोग।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप लोग टेक्स्ट में यहाँ पे भेजोगे, ठीक है? What did Lencho hope for? Hope for rain. मैंने बोला टेक्स्ट में मैसेज करेगा ना. Rain. Okay. चलो ठीक है. Very good. Next question देखो. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Raindrops को new coins के साथ compare क्यों किया गया यहाँ पे? ये मेरे को बताओ. रेन ड्रॉप्स को न्यू क्वाइंस के रूप मतलब कि इन द हाँ बोलिए टेल मी एनीवन रेन ड्रॉप्स आर रिसेम्बल एंड न्यू क्वाइंस व्हाई व्हाई ओके भैया बिकॉज़ ऑफ रेन ही वाज गोइंग टू गेट सरप्लस व्हिच ही कुड सेल इनटू मार्केट फॉर अर्निंग मनी सही है. फिर यहाँ पे हाउ डिड द रेन चेंज, ये रेन चेंज कैसे हो जाता है, रेन फॉल जो हो रहा था वो किस चीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, हेलस्टोन. एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचो, लेंचो के फील्ड में क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, लेंचो का फील्ड का क्या हो रहा है, क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया. ओके लेंचो क्रॉप्स वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, चलो सही है. इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही द हेल स्टॉप, ये जब हेल स्टॉर्म रुक जाता है उसके बाद लेंचो की फीलिंग क्या थी, बहुत हैप्पी था एकदम, वेरी हैप्पी लेंचो वाज वेरी हैप्पी हैप्पी था, वेरी सैड था, ओके बहुत ही ज्यादा उदास था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग, ये होमवर्क है, ये सब होमवर्क आप लोग कर लेंगे. फिर यहाँ पे देखो क्या है कि who और what did Lencho have faith in, Lencho को विश्वास किसके अंदर है, पोस्टमास्टर तो गॉड के ऊपर, चलो ठीक है. चलो what did he do, उसने जब ट्रस्ट उसको गॉड के ऊपर है तो उसने किया क्या, what did he do, उसने क्या किया, wrote a letter to God, वो डिमांडेड कितना मनी, कितना डिमांड किया था, 200 pesos 300 pesos 100 pesos. ओके हु रीड द लेटर, लेटर को पढ़ा किसने, पोस्टमैन की पोस्टमास्टर चलो सही है, वेरी गुड. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू दैन, पोस्टमास्टर ने क्या किया, लेटर को लेकर उधर डस्टबिन में फेंक दिया, लेटर को लेकर डस्टबिन में फेंक दिया, he threw the letter into dustbin, he collected money, then what did he do, he collected money and sent to Lencho, chalo theek hai. To isme any problem, no sir. No confusion kisi ko, anyone, no sir. Okay to isko ek bar check karenge sare. ओके सारे क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व बाय यू ऑल, आप सभी को सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है और इस चैप्टर पे विशेष फोकस कीजिएगा, चैप्टर थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से. ओके सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे. इसके बाद इसमें पोएम भी है क्या, यस सर दो ठो, यस सर, यस सर जी जी, यस सर है, है ना जी सर. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दोनों पोएम को वर्कआउट करेंगे. ये दोनों पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा शायद लिखा हुआ है, जिसमें एक होगा तुम्हारा फायर एंड आइस होगा, एक पोएम फायर एंड आइस है, सेकंड पोएम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. ये दोनों पोएम आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे हुए हैं, इन दोनों पॉइंट को हम लोग डील करेंगे. कहां पे है तो इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी नो प्रॉब्लम, नो सर, नो सर, डस्ट ऑफ स्नो आ गया ये पहला, नो सर, एंड सेकंड है फायर एंड आइस. ये दोनों पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है. ओके सर, ओके सर, हम लोग यहां पे एक छोटा ब्रेक लें.
Yes, sir. Okay, have a great day. Have a good day. Enjoy. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, good day. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, bye, sir. Have a good day. You. Have a pleasant day, sir.